इस वीडियो में हम बात करेंगे मजगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे शेयर ट्रेड कर रहा है आज के दिन। अगर हम बात करें तो यहां पे आज के दिन कहीं ना कहीं शेयर में हमें गिरावट जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देखेंगे यहां पे कोई मार्केट ओपन है, तो वीडियो को शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे। और बात करेंगे मजगांव डॉक सी बिल्डर्स के बारे में कि क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है यहाँ पे आने वाले टाइम में। और यहाँ पे शेयर में ओवरऑल जो गिरावट हमें देखने को मिला है अपने टॉप लेवल से, वो लगभग 24% से ऊपर की गिरावट नज़र आ रहा है हमें, जो भी अपने टॉप लेवल से गिरावट देखने को मिला है 24-25% के आसपास। अब ये गिरावट क्यों आया उसके बारे में भी कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे, एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम में लगातार क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस होते हुए हमें दिख रहा है हर कंपनी का, धीरे धीरे वो भी क्वार्टर टू का। तो देखते हैं कि इस बार क्वार्टर टू का रिजल्ट निकल के क्या आता है मजगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें उससे पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पे, तो जो सितंबर का होल्डिंग है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आउट हो चुका है फिलहाल। अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे 84.83% एज इट इज़ वहीं रहा। जो एफआईज ने अपना स्टेक को यहाँ पे सेल किया है, मतलब एफआईज ने अपना स्टेक बेचा है यहाँ पे 2.44% से डिक्रीज होकर 1.45% पे निकल के आ चुका है एफआईज का होल्डिंग। एफआईज ने अपने होल्डिंग को बेचा है। बात करें डेयर्स का, डेयर्स ने थोड़ा खरीदा है यहाँ पे 0.83 से इंक्रीज होकर 1% हो गया है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने यहाँ पे 11.89% से इंक्रीज करके 12.71% किया अपना होल्डिंग को। आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो एफआईज ने अपना होल्डिंग को यहाँ पे डाउन किया है। बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए मजगांव डॉक सी बिल्डर्स के बारे में। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, जो प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में अपने टॉप लेवल से शेयर यहाँ पे 24% से भी ऊपर के गिरावट में नजर आ रहा है अपने टॉप लेवल से, जो भी यहाँ पे इसका अपना हाई लगाया है। और अभी के टाइम में आप देखेंगे जब कहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, अगर हम बात करेंगे तो पिछले ऑल टाइम पे शेयर में 2400% से ऊपर का रिटर्न है पिछले 5 साल में, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। पिछले 1 साल में अगर हम बात करें तो लगभग 100% के आसपास 99.52% का रिटर्न दिखता है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। मनी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम बात करें वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम अभी तक क्या चल रहा है, पिछले 1 वीक एवरेज, 1 मंथ के एवरेज और यस्टरडे का वॉल्यूम क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटिमेंट का, तो 100% लोग कह रहे हैं भाई अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ओपिनियन क्या है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा शेयर को लेकर। अब बात करेंगे यहाँ पे मजगांव डॉक सी बिल्डर्स के बारे में, तो मजगांव डॉक शेयर आर डाउन 26% फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, अपने रिकॉर्ड हाई से। इस आर्टिकल के मुताबिक अभी तो 14 का डाटा यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है, 14 को ये न्यूज़ निकल के आया है, तो आज 16 तो कह सकते हो थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 26% इस न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से डाउन है। अब देखेंगे यहाँ पे अब बाई सेल या फिर होल्ड, क्या आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करेंगे इस आर्टिकल के मुताबिक और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, दो इन द टर्म ऑफ टेक्निकल द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI ए मजगांव डॉक स्टैंड 54.4 सिग्नलिंग इट्स ट्रेडिंग नाइदर इन द ओवरबॉट नॉर इन द ओवरसोल्ड जोन। मजगांव डॉक शेयर आर ट्रेडिंग हायर देन द 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 100 डे एंड 150 डे एंड 200 डे, बट लोअर देन 50 डे मूविंग एवरेज। सीजू कोथुपलाकल टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट PL कैपिटल प्रभुदास लीलाधर सेड द स्टॉक हैज विटनेस्ड ए डिसेंट एरोजन फ्रॉम द पीक जोन ऑफ 5860 एंड रिसेंटली आफ्टर मेकिंग ए लो ऑफ 3852 का हैज इंडिकेटेड ए डिसेंट पुल बैक विथ करेंटली हैविंग ए पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन विथ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन टू मूव पास्ट कन्फ्लुएंस। आप देखेंगे 50 EMA एंड 200 पीरियड EMA और जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, द RSI हैज़ इंडिकेटेड ए पॉजिटिव ट्रेंड। RSI जो है पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम द हाईली ओवरसोल्ड जोन टू सिग्नल टू बाई एंड हैज मच अपसाइड पोटेंशियल टू कैरी विद द पॉजिटिव, कह सकते हो मूव फर्दर अहेड विद द चार्ट टेक्निकल
टेक्निकली लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। वन कैन बाई द स्टॉक फॉर एन अपसाइड टारगेट, एक कॉमन शो का टारगेट यहाँ पे निकल करते हुए दिख रहा है, और कीपिंग द स्टॉप लॉस 4,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया गया है। अब इस स्टॉप लॉस और इस टारगेट को लेकर आपका क्या व्यू है स्टॉक के ऊपर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करें यहाँ पे तो ओशो कृष्णन देखेंगे सीनियर एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एंजल वन सेड मजगांव डॉक हैज़ अंडरगोन प्रॉफिट ब्रोकिंग फॉलोड बाई ए टाइम वाइज करेक्टिव फेज आफ्टर द वर्टिकल रैली। करंटली द स्टॉक हैज़ सीन सम सपोर्ट नियर 100 DEMA ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, और जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी सपोर्ट यहाँ पे मेंशन किया और जो भी कह सकते हो यहाँ पे हायर रेसिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया, तो ये कुछ कह सकते हो कि हमें जो भी टारगेट्स वगैरह निकल के आते हुए दिख रहा है अलग अलग एनालिस्ट वगैरह अलग अलग जो भी कह सकते हो तरफ से। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ए आर रामाचंद्रन सेड मजगांव डॉक प्राइस इज बुलिश ऑन द डेली चार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4,150 का इन्होंने सपोर्ट दिया, और इन्होंने कहा कि बुलिश दिख रहा है हमें स्टॉक प्राइस बुलिश ऑन द डेली चार्ट पैटर्न। और बात करें यहाँ पे और डेली क्लोज आप देखेंगे ए डेली क्लोज बिलो एवोब रेसिस्टेंस 4,544 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो देखेंगे कुड लीड टू ए टारगेट ऑफ 5,000 का टारगेट इन्होंने दिया अगर 4,544 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो। तो ये कुछ कह सकते हो कि कुछ यहाँ पे एनालिस्ट का व्यू और टारगेट जो भी निकल के आते हुए दिख रहा है इस शेयर के ऊपर मजगांव डॉक से बिल्डर्स के ऊपर। बाकी अगर हम बात करेंगे तो आज के लिए कुछ इतना ही, और ये कुछ अगर डाउन साइड में गिरावट भी निकल के आता है तो सपोर्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, जो भी एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट निकल के आते हुए दिख रहा है 4,200 के आसपास भी एक सपोर्ट है, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हो 4,190 के आसपास। उसके बाद नीचे के लेवल पे और भी सपोर्ट्स काफ़ी हैं जो कि आने वाले टाइम में हमारे चैनल पर आपको ध्यान मिल जाएगा करके सारी चीज़ें। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। फिलहाल मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।